हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल गया। तो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल डीके टेक्निकल गया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल पिटारा ऐप के बारे में, जैसा कि बाल पिटारा ऐप क्या है, इस पर लॉगिन कैसे करेंगे और जो बाल पिटारा ऐप है उस पर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो काम क्या क्या करेंगी, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बाल पिटारा ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना होगा। जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर प्ले स्टोर में आ जाएंगे और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर हम लोग बाल पिटारा लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको बाल पिटारा का जो ऐप है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से ये बाल पिटारा ऐप का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो बाल पिटारा ऐप है इसका जो वर्जन है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि ये कौन सा वर्जन है यहाँ पे। तो ये 14 जो वर्जन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग यहाँ से ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको जो बाल पिटारा ऐप का जो होम पेज है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको चार मॉड्यूल दिखाई देंगे। यहाँ पे चारों मॉड्यूल में आप लोगों को काम करना है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे परवरिश का जो पिटारा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना अकाउंट बना लेना होगा। किस प्रकार से अकाउंट बनाना है, जैसे कि यहाँ पर आप अपना पूरा नाम दर्ज करेंगे जो आंगनवाड़ी सेविका है, या फिर माता पिता, अगर बच्चे के माता पिता हैं वो भी अपना यहां से अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं इसको ऐसे ही। यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहां पे आपको पासवर्ड दर्ज करना होगा। फिर से यहां पे दोबारा वही पासवर्ड आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। पासवर्ड में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि कोई एक बड़ा लेटर लिख लेंगे, उसके बाद छोटा अक्षर में कोई भी अक्षर यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद @ लगा के आपको यहाँ पर कोई नंबर यहाँ पे नंबर यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पासवर्ड जेनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रकार चुनना है। जैसे कि यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, माता पिता, पूर्व प्राथमिक शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो आप जो भी हैं माता पिता का आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पे हैं वो अपने यहाँ पे अपना एक न्यू आईडी बनाना चाहते हैं यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, आपका जिला आ जाएगा, यहाँ पे सिटी आ जाएगा। ये सभी डिटेल्स डाल के आपको यहाँ पर बनाए वाले पर क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर एक अकाउंट बना के आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल्स फिल कर दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर बनाए वाले पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बच्चों का डाटाबेस एवं मूल्यांकन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आंगनवाड़ी सेविका अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करेंगी। ये आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको विभाग से मिला होगा या फिर आप विभाग से कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो वो आपको यहाँ पे जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आईडी और पासवर्ड लेके आप लोग यहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं, जिसमें कि बच्चों का डाटाबेस और मूल्यांकन के जो भी स्थिति है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा मॉड्यूल है, जैसे कि यहाँ पर रिसोर्सेज हैं यानी कि संसाधन है, यहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए जो वीडियो वगैरह है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को प्री स्कूल किट के बारे में बताएंगे, ECCE मैनुअल एवं गतिविधि कैलेंडर का प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे पूरी वीडियो दी गई है। यहाँ पे ई पुस्तक का एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ई पुस्तक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गतिविधि का जो भी पुस्तक है वो आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके फाइल में ये जो पुस्तक है ई पुस्तक आपका डाउनलोड होके आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, इससे संबंधित जो पुस्तक है वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑडियो है, ऑडियो अभी फिलहाल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। बाकी यहाँ पे आप लोग वीडियो और ई पुस्तक के माध्यम से बच्चों को सिखा पढ़ा सकते हैं कैसे सिखाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल तरीका है और आप लोग बच्चों को आसानी से बहुत ही आसान भाषा में बच्चों को सिखा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उपस्थिति है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन आई डी पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर लॉगिन आई डी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आप अपना काम कर पाएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा।
तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।